हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगिता शर्मा के साथ। शी इज करेंटली वर्किंग एट करीम इन यूएई। ठीक है, तो काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया वर्सेस यूएई, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, तुम्हारी सैलरीज कैसी होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बार उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो मैम, ओके, थैंक यू निशांत फॉर हैविंग मी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर एंड शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन यूएई। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं सब लोगों से कि हाउ इट इज़, एंड फाइनली वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन इट, एंड दिस इज निशांत इनिशिएटिव, सो आई एम रियली एक्साइटेड। योगिता, सो आपको अभी थोड़ा टाइम हो गया है यूएई में काम करते हुए, थोड़ा कंपनसेशन वगैरह के बारे में बताओगे कि रेंज क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? फिर मैं इंडिया का बताता हूं। सो फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेट्स से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज 2 to 3 years of experience, like SD1-2 के लेवल का मान लेते हैं। फ्रॉम एज फॉर SD2 द कॉम्पनसेशन रेंज कैन गो एनी वेयर फ्रॉम 20,000 AED पर मंथ अप टू 40,000-45,000 AED पर मंथ। तो 40-45 यूजली 7-8-10 साल एक्सपीरियंस वालों का होता है, और 2-3 years या स्टार्टिंग है 4-5 साल, तो 20-25 ऐसा होता है। मैं पर मंथ में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन UAE सैलरी इज कैलकुलेटेड एंड टोल्ड टू यू इन पर मंथ रैदर देन पर ईयर, बिकॉज देर इज़ जीरो टैक्स हीयर, सो दैट इज़ द इन हैंड सैलरी दैट यू गेट। सो लेट्स से 20,000 है तो पूरा 20,000 ही आपको मिलेगा, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 12 कन्वर्ट टू INR। सो दिस इज द रेंज फॉर SD2-3, ये इस रेंज में सैलरी होती है। तो यार, अगर तुम्हें AED नहीं समझ आ रहा है क्या होता है, तो ऑलमोस्ट 20,000 AED का मतलब 4 लाख रुपए, 4 लाख Indian rupees हो गया, एंड उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे तुम्हारे पॉकेट में पर मंथ आ रहे होंगे। एंड इंडिया में जो सैलरी होती है वो बहुत, अगर तुम अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हो तो 1 लाख+ होती है फॉर अ 1 year एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ। एंड अगर तुम नॉर्मल कंपनीज में, जो सैलरी रेंज होती है 50 to 2 lakhs के आसपास जा रही होती है, सबका अलग अलग काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अराउंड 4 times का डिफरेंस है। तो डिफरेंस लगभग 3 to 4 times का डिफरेंस होता है कंपेयर टू इंडिया, बट खर्चे में भी उतना ही होता है। हाँ, अब उस वाले पॉइंट पे आ रहे थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मतलब एक यूएई में आप रह रहे हो, रेंट वगैरह का क्या सिस्टम होता है, खाना वगैरह, ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ी बहुत चीज़ें बताओगे? हाँ, श्योर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इफ़ यू मतलब अगर ओवरऑल कंपेयर करना है तो एज यू सेड कि 3 to 4 times होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक कि एक कप चाय यहाँ पे लाइक यू कैन गेट फॉर 1 dirham विच इज़ 20 rupees, बट वो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग प्राइस है। बट ऑन एन एवरेज अगर जाओगे तो यू विल गेट दैट सेम चाय फॉर 3 dirhams, 5 dirhams, 7, 10, एंड इवन लाइक स्टारबक्स का एक कॉफ़ी विल बी 24 dirhams, विच अगेन कन्वर्ट करोगे तो विच इज़ लाइक 500 rupees समथिंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसा है कि बहुत आप शेयरिंग में रह रहे हो अगर आप सिंगल हो, और आप मेन सिटी से बहुत दूर रह रहे हो, तो यू कैन मैनेज इन से 2,000 to 3,000 dirhams पर मंथ में आपका रेंट हो सकता है। इवन 2,000 में भी हो सकता है अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो। बट जैसे जैसे आप एक्सपेंसिव एरियाज में जाते जाओगे तो वो 6,000 पर मंथ भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। बुर्ज अल अरब में रहना है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मुझे पता भी नहीं है, बट इट कैन गो इन लैक्स एंड लैक्स। तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली कि आप किस एरिया में रह रहे हो, बट या लाइक फॉर गुड कम्फर्टेबल कंडीशंस 3,000 to 4,000 dirhams पर मंथ में आपको बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी लोकेशन में, बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रह सकते हो। एंड फॉर फूड एंड ग्रोसरीज अगेन इट गोज फ्रॉम 1 to 2,000 पर मंथ। सो फॉर अ सिंगल पर्सन आई वुड से एनी वेयर बिटवीन 7 to 8,000 इज अ गुड अमाउंट टू लिव कम्फर्टेबल एंड लैविश लाइफ, मतलब अच्छे से यू कैन लिव एंड पार्टी एंड एन्जॉय एंड गो टू प्लेसेस। तो ये है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कोडिंग निंजास के बारे में। अब यार, कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब 20% ऑफ का लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हें कोई भी कोर्स वगैरह लेना हो तुम उस लिंक से जाके ले सकते हो। इसके अलावा यार, तुम्हें यहाँ पे काफी तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ठीक है, DSN, C++, जावा, पाइथन, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं, टीचर्स वगैरह यार, वो तुम्हारे IIT स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। एंड यार, मैंने खुद अपना DSA का सेकंड ईयर में C++ में कोर्स जो किया था वो यहीं से किया था, एंड माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। अब यार, तुम कोई कोर्स वगैरह कर रहे होते तो डाउट्स तो आते ही हैं, ठीक है। अब डाउट्स के लिए यहाँ पे हिंट वीडियोस हैं। अब C++ DSA वाले कोर्स में जैसे 200+ हिंट वीडियोस थी, एंड यार इसके बाद भी अगर तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन लाइक गो फॉर TA सपोर्ट। एंड TA सपोर्ट में यार 2 से 3 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं।
सो 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पेंड करोगे, 10,000 स्पेंड करोगे पर मंथ आउट ऑफ 20-25 जो आपका सैलरी है, 10,000 स्पेंड करोगे तो आप और कंफर्टेबली रह सकते हो और ज्यादा अच्छी जगहों पे जा सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मैक्सिमम तो यार यूएई में कोई लिमिट नहीं है, यू इफ आई वांट मैं अपनी पूरी सैलरी भी खर्च कर सकती हूँ बाहर जाने में, बहुत अच्छे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स में रहने में, बिकॉज देयर आर सी व्यू अपार्टमेंट्स, देन देयर आर अपार्टमेंट्स जिसमें प्राइवेट बीच होता है, एंड देन देयर आर मेनी पॉश लोकेशंस, देन देयर आर विलाज, तो बहुत कुछ है, एंड ऑब्वियसली लाइक गेटिंग ए कार एंड एवरीथिंग, तो वो सब मिला के काफ़ी भी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। बट एक अच्छी बात यह है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, दैट बाइंग कार्स इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव हियर, एंड द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट यू नीड, द पेट्रोल इज़ वेरी चीप, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट हियर, एंड पीपल आर एबल टू अफोर्ड लग्जरी कार्स इजिली, इतना मुश्किल नहीं होता है। एग्जैक्टली, टैक्सेस नहीं है कार्स पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, और टैक्सेस नहीं लगते, काफ़ी सारे टैक्सेस नहीं लगते, तो कार वगैरह की कॉस्ट कम हो गई। प्लस फिर यूएई में तुम पेट्रोल की बात कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली काफ़ी चीप है, क्योंकि इस पर भी टैक्सेस नहीं लग रहे। और अगर 25,000 AED में अगर सैलरी है, मतलब वही 4 लाख 4.5 लाख, उसमें से तुम्हारे 1 लाख तुम खर्च कर रहे हो तो सेविंग्स भी बहुत सारी हो रही है, 2.5 to 3 lakhs रुपीज तुम सेव कर रहे हो पर मंथ, मतलब ईयर भी नहीं, पर मंथ। सो बढ़िया है, काफी फिर इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ता है। इंडिया का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का देखना पड़ता है, ये पैसे ज्यादा होने के लिए फिर डाउनफॉल्स भी है ना, फिर इन्वेस्टमेंट देखो कहाँ पे पैसे को लगाना है, प्रॉब्लम्स। तो यार इंडिया का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने अभी रेंट वगैरह देना स्टार्ट नहीं किया, बट जितना मेरे को पता है अराउंड 15K-20K रेंट होता है, उसके अलावा तुम्हारा आना जाना, तुम अगर अच्छे से भी रहोगे तो 40K में तुम एक महीने में अच्छे से लाइफ अपनी जी सकते हो, अच्छी जगह रह रहे हो, खाने वाने जा रहे हो, बाहर सब करो, 40-45K में हो जाएगा, बचे हुए तुम सारे कुछ करो, चाहे सेव करो, कोई तुम्हें चीज़ लेने हो ले सकते हो, तो मतलब सही है, डिसेंट है, बट हाँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। योगिता, सो जॉब हंटिंग का क्या सीन होता है, जैसे अगर यहाँ पे फ्रेशर्स को ना ले, एक्सपीरियंस को ले, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, तो यार स्टार्टअप्स ही इतने सारे होते जा रहे हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इतने सारे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अब तो बहुत ज़्यादा हैं, तो जॉब हंटिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूएई में क्या सीन होता है, मतलब आपको क्या फेस करना पड़ा था? यार यूएई में ऐसा है कि वंस यू आर वर्किंग हियर तो अलग सिनेरियो है, एक बार आप यहाँ पे काम कर रहे हो और अगर आप किसी अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे करीम है फॉर एग्जांपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल एंड रिक्रूटर्स नो यू ऑलरेडी, तो आपका अच्छा नेटवर्क बन जाता है, एंड देन जैसे इंडिया में या बैंगलोर में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे रिक्रूटर्स नो यू, आपके कॉमन कनेक्शंस हो जाते हैं, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड अ जॉब वंस यू आर वर्किंग हियर ऑलरेडी। अगर आपको यहाँ पे आने के बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, देन फाइंडिंग अ जॉब इन दिस मार्केट वुडंट बी वेरी हार्ड। और अभी तो ऐसा है कि स्टार्टअप सीन है बहुत यहाँ पे, काफ़ी कुछ हो रहा है, एक्सपो एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी राइज है यहाँ पे जॉब्स में, जॉब मार्केट काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इट इज़ फेयरली ईजी। एंड वही तरीका होता है, देर आर सम पोर्टल्स लाइक नौकरी एटसेट्रा टाइप के पोर्टल्स हैं यहाँ पे, एंड देन देर आर कनेक्शंस हैं, रेफरेंसेस से भी लोगों को जॉब मिलता है, तो वो भी होता है, एंड देन रिक्रूटर्स हैं, एक्टिव हेड हंटर्स हैं, कुछ कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज भी हैं, दे नो कि कौन बंदे मार्केट में जॉब देख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉर्मली जैसे इंडिया में होता है वैसे ही सीन है। बट अगर आप इंडिया में हो और फिर आपको दुबई में जॉब चाहिए, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आई रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन, बहुत सारे कंपनीज, उन कंपनीज में जो लोग काम करते हैं सबको आई यूज टू डी एम एंड सेंड माई रेज्यूमे, आई टुक आउट ऑफ गोइंग टू अ रिक्रूटर ऑल्सो जो यहीं थे दुबई में, दे ट्राई टू हेल्प मी आउट बट प्रोफाइल मैच नहीं होता था, बट फाइनली देर वॉज अ गाय, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, दिस गाय फ्रॉम पाकिस्तान, ही वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, ही फर्स्ट फॉरवर्डेड माई रेज्यूमे टू हिज कंपनी, वहाँ पे एक राउंड हुआ एंड देन द कंपनी सेड दैट वी आर ऑन हायरिंग प्लीज, देन ही टोल्ड मी ओके यू कैन गो टू करीम, वहाँ पे मेरे को जॉब का ऑफर आया था बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ चेंज, सो यू गो इंस्टेड ऑफ मी, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू द रिक्रूटर देयर, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट अन इंटरव्यू कॉल और सब कुछ स्मूथ हो गया उसके बाद, बट हैविंग अ रेफरेंस हियर रियली हेल्प्स, इफ यू नो समवन एंड दैट समवन नोज फॉर अ जॉब ओपनिंग दैट मैचेज विद अ प्रोफाइल, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट स्टिल ओपनिंग्स रहती हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है एंड इट इज़ मैचिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड यू नो समवन, इट इज इट देर इज अ चांस दैट यू कैन गेट थ्रू, बट थोड़ा लक फैक्टर भी होता है आई वुड से। ठीक है, तो यार इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी कि फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब इन यूएई, तो जॉब हंटिंग तो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ठीक है कोई नहीं, एक बारी मिल गई फिर तो काफी मजे। हाँ फिर ईजी है।
सो योगिता आप थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताओगे, लाइक करीम में जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है कैसा है, कितने टाइम आप कोड कर रहे होते हो, कितने टाइम आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं? ओके, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रिटी स्टैंडर्ड, जैसा किसी भी बड़ी कंपनी में होता है. इट्स वही सेम 7-8-9 आवर डेज, एंड सिंस आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम गोज इन टू कोडिंग, डिजाइनिंग एंड डूइंग टेक्निकल वर्क. जैसे जैसे आप सीनियर होते हो वैसे वैसे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आता है एंड यू हैव टू टॉक टू डिफरेंट टीम्स एंड पीपल, वो थोड़ा पार्ट रहता है, बट अदर देन दैट इट्स प्रिटी स्टैंडर्ड जो बाकी कंपनीज में होता है. वर्क लाइफ बैलेंस का ये है कि यार यूजुअली इट्स वेरी लाइक द पीपल डू केयर अ लॉट अबाउट योर हॉलीडेज एंड देन देर आर वीकेंड्स. सो यूजुअली ऐसा होता है पीपल विल नॉट डिस्टर्ब यू, यार विल नॉट एट ऑल एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन वीकेंड्स. और पूरे साल में एक दो बार तो ऐसा हो ही जाता है कि देर आर यू नो डेडलाइंस एंड देर आर एक्स्ट्रा वर्क. तो ऐसा होता है कि वी और आई माई सेल्फ वर्क ऑन अवर विश कि यार ये जल्दी खत्म करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके कर देते हैं, बट ऐसे देर इज़ नोबडी हु सेज़ कि नहीं नहीं वीकेंड पे काम करो. तो दैट वे इट इज़ वेरी गुड हियर कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है एंड देर आर अ लॉट ऑफ लॉन्ग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज. तो एंड देर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू गो आउट, दुबई से भी यू कैन गो टू मैनी कंट्रीज़ जहाँ पे वीज़ा वगैरह ऑन अराइवल होता है तो लोग बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और उसके अलावा ऐसा होता है कि अनलिमिटेड वेकेशन होता है, तो एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग योर वर्क डन, एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग, यू आर मीटिंग योर परफॉर्मेंस लेवल्स, इफ यू नीड लीव्स फॉर लाइक यू आर सिक और यू नीड जस्ट ऑफ टाइम, यू कैन डू दैट. और करीम अभी रिमोट फर्स्ट है तो मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम होम, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड वे, तो काफ़ी फ्लेक्सीबल है. तो आई वुड से दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रीटी गुड. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था अनलिमिटेड लीव्स वाला, मतलब ये इंडिया में तो मैंने नहीं सुना है अभी. ज़्यादातर कंपनीज तो वही होता है 35-40 लीव्स के अराउंड बाकी वीकेंड्स, सो काफ़ी सही. हाँ मतलब अनलिमिटेड लीव्स होता है बट लाइक नोबडी इज काउंटिंग, बट ऑब्वियसली विद इन अ सर्टेन लिमिट. ऐसा भी नहीं कि आप हर वक्त कभी भी हाँ वो छुट्टी लेके गायब हो जाओ. काम आपका अलॉट हो रखा आपने कर दिया उसके बाद ले सकते हो, अगर काम भी नहीं कर रहे हो और फिर भी छुट्टी ले रहे हो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. और आई थिंक इंडिया में भी द स्टार्टअप दैट आई यूज्ड टू वर्क फॉर दे ऑल्सो हैड दिस अनलिमिटेड वेकेशन पॉलिसी एंड इट वॉज सेम देयर एज वेल कि 30-35 इवन 40 लीव्स अगर आपने ले लिया है फॉर सम रीजन, लाइक किसी का सर्जरी हुआ, किसी को कुछ हुआ, इट इज़ फाइन एज लॉन्ग एज वर्क इज नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड. ओके, तो वही यहाँ पे भी मैंने देखा, तो इट्स गुड दैट वे. ग्रेट. अब एक और क्वेश्चन, आप कौन से टेक स्टैक वगैरह पे काम कर रहे हो अभी? यार टेक स्टैक ऐसा है कि चेंज होता रहता है, बट जो प्राइमरी टेक स्टैक रहा है हमेशा से, या जो जैसे कंपनीज में जावा है, PHP है, गोलैंग है, मेरा ज़्यादातर काम गोलैंग पर है. बट लैंग्वेजेस का तो ऐसा रहता है कि वो डिपेंडिंग ऑन टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स चेंज होती रहती हैं या हो जाती हैं, बट ये प्राइमरी है. जो मेजर काम रहता है वो अराउंड डिजाइनिंग सिस्टम्स और मेंटेनिंग सिस्टम्स वैसा रहता है, तो वो मेजर है. बाकी वही जो सब इस पे काम करते हैं, काफ्का और सम क्लाउड प्रोवाइडर, जावा, को, ये सब भी है. नथिंग फैंसी. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट में मेरा तो अभी स्विफ्ट वगैरह है क्योंकि iOS डेवलपमेंट है, बट जनरली सबका या तो C# पे काम कर रहे होते हैं अगर बैकएंड पे करना होता है तो, या .NET पे भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये तो है ही जो उनकी लैंग्वेजेस हैं. उसके अलावा अगर एंड्रॉयड पे काम कर रहे हो तो फिर जावा में करना है, मतलब वही बेसिक स्टफ. हाँ. वो सब वही कर रहे होते हैं, सेम टेक स्टैक यूज़ सब का सेम ही है. वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सबको अच्छे से आनी चाहिए और यू शुड नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और फिर हाई लेवल डिज़ाइन. ऑब्वियसली थोड़ा सीनियरिटी लेवल पे हाई लेवल डिज़ाइन का बहुत रोल होता है, काफ़ी यू शुड नो कि बड़े स्केल पे सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं. तो वो एक नई चीज़ या अलग चीज़ आप कह सकते हो कि आई हैव लर्नड हियर या फिर जो जिस पे मेरा काम है डे टू डे. ग्रेट. ओके, अब हमने CTC वगैरह की पहले बात कर ली थी, अब फाइनल एक चीज़ है कि सैलरी नेगोशिएशंस का क्या सीन होता है. मतलब जैसे फ्रेशर्स में तो मेरे को पता है इतना कुछ नहीं होता, मतलब मेरे को नहीं पूछा था कि कितनी सैलरी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड पैकेज वो देते हैं, बट हाँ सैलरी नेगोशिएशंस का क्या सीन होता है बताओगे थोड़ा? तो यार सैलरी नेगोशिएशंस ऐसा रहता है एज यू सेड कि ना सीनियरिटी लेवल पे बहुत डिपेंड करता है कि वन आप कितना सीनियर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, सेकंड आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे हाउ मच यू आर गेटिंग, एंड थर्ड इज हाउ मच दैट कंपनी नीड्स यू देयर आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो.
आफ्टर इंटरव्यू. तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई हैड डिफरेंट रीजंस ऑफ मूविंग टू यूएई दैट माय हस्बैंड वाज हियर. तो मैंने तो लाइक जो भी मुझे दिया गया आई वाज लाइक हैप्पीली आया और कुछ ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं. एंड यू कैन से कि आई वाज आल्सो नॉट वेरी गुड एट नेगोशिएशंस एट दैट टाइम एंड आई थिंक अभी भी आई एम नॉट वेरी गुड. बट अदर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया who have got job here, because that's also one good thing ki I have a lot of friends from India who live in Dubai. So the other friends from India who have joined here, उन्होंने negotiate किया है and होता भी है in generally जो लोग करते हैं. तो depending on the economy of different countries आप negotiate कर सकते हो. जैसे India में maybe you can ask for 20% extra, but यहाँ पे you can ask maybe for 5% or 7% या maximum 10% extra. okay. And if the company has room they might come back with a counter offer. तो आपको थोड़ा सा extra दे देंगे 5% 7% depending on how good your interviews have been and how much they need you and how good your previous experience and what is the salary level जिसमें आप पहले हो. तो हो जाता है इतना. तो अगर कोई भी experience बंदा यहाँ आ रहा है let's say 4-5 years experience, तो आप थोड़ा सा negotiate कर सकते हो. 5-7% तक आप थोड़ा ले जा सकते हो, बोल सकते हो कि you need more. तो हो जाएगा उतना. okay, सही है सही है. मेरे को तो अभी कोई idea है नहीं कैसे होती है salary negotiation. जब पता चलेगा तो बताता हूँ. so thank you so much Yogita, thank you so much for taking out time. काफी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके. likewise मुझे भी अच्छा लगा. ये सारे questions आते रहते थे. I wanted to answer and it's good that you have given a platform and you asked and did this comparison of software engineering in India versus UAE. And I think this is new also. नहीं तो usually लोग India US compare करते हैं. तो it's good that there are opportunities right. in other parts of world as well. So I hope this helps. Right. Also यार हमने एक video और record करी थी योगिता के channel पे. You can definitely check it out. उसमें काफी सारे interesting questions का answer किया था मैंने. So जब भी जरूर जाना वो भी कहीं I button में और description में आ रही होगी. And you can also subscribe to योगिता's channel. ठीक है. Link is in the description. She'll be tagged in the title as well. जाके जरूर subscribe कर लेना. ठीक है. फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम वगैरह पे, लिंक्डइन वगैरह पे, जहाँ पे तुम्हें करना है. तो थैंक यू निशांत, थैंक यू फॉर आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. ठीक है. तो इतना ही आज वाली वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.